दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ्लिपकार्ट की पे लेटर की लिमिट कैसे चेक कर सकते हैं और आप पे लेटर से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे आप पे लेटर से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पे लेटर की लिमिट भी दिखाएंगे और आपको एक ऑर्डर भी करके दिखाएंगे कि आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना है। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आप अपनी लिमिट कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी पे लेटर की लिमिट कितनी है। जब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ये आपका होम पेज है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको इधर थ्री लेयर पर क्लिक करना है। जब आप थ्री लेयर पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है माई अकाउंट। आप माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे लेटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट दिखा रहा है, जो इधर साइड में दिखा रहा है ये है मेरी लिमिट। यहाँ पे दोस्तों इसमें अभी है ये 7,500 रुपये की लिमिट यहाँ पे दिखा रहा है और इधर 989 रुपये यहाँ पे ये मैंने यूज़ कर रखे हैं, तो अभी ये यूज़ भी दिखा रहा है और यहाँ पे मेरी टोटल लिमिट भी दिखा रहा है। यानी कि 7,500 की मेरी टोटल लिमिट है और 989 रुपये मैं यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ। आप इस पे यहाँ पे व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी ट्रांजेक्शन वगैरह भी देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो बिल है वो कब जनरेट होगा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं पेमेंट ऑफ अनबिल ड्यूज विल नॉट बी अवेलेबल इन 25 अक्टूबर। यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है बिल विल बी जनरेटेड ऑन 1 नवंबर, यानी कि 1 नवंबर को आपका बिल जनरेट होगा। अभी दोस्तों आज तारीख है 5 अक्टूबर, यानी कि 1 नवंबर, एक महीने बाद ये बिल जनरेट होता है। और व्यू ट्रांजेक्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन वगैरह भी देख सकते हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन आपने की है, सब ट्रांजेक्शन वगैरह आपको दिखा देगा। आप यहां से अपना केवाईसी स्टेटस पर क्लिक करके अपना केवाईसी स्टेटस भी देख सकते हैं। या आप यहां पे देख सकते हैं केवाईसी स्टेटस हमारा एक्टिव दिखा रहा है, यानी कि 23 अप्रैल 2030 तक हमारी ये वैलिड है। आप भी यहां पे अपना ये स्टेटस देख सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आप ऑर्डर इससे ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे लेटर को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ से कोई भी हमें ऑर्डर करना है, हम कोई ईयरफोन ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ईयरफोन टाइप करेंगे। जैसे ये हेडफोन हमने यहाँ पर लिख दिया है और जैसे हमें यहाँ पे दोस्तों ये वाली ऑर्डर करनी है, 799 रुपीज़ इसका चार्ज है। तो हम यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसे स्किप एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, इस पेज पे आने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे फिर से। अब आप आ गए हैं पेमेंट पेज पर। पेमेंट पेज पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे लेटर, हमारा यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है। तो इसी तरह से आपका भी ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। जब अगर आपकी लिमिट ज़्यादा होगी तो दोस्तों ये सिलेक्ट हो जाएगा, अगर आपकी लिमिट इस पेमेंट से कम होगी तो ये यहाँ पे फिर आप इससे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर पर करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑर्डर हमारा यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, ऑर्डर प्लेस्ड यहाँ पे हो गया है। आप इस ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं, ये ऑर्डर हो गया है सक्सेस। अब आप यहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों, इसे माय ऑर्डर सेक्शन में आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ थ्री लेयर पे क्लिक करेंगे, थ्री लेयर पे क्लिक करने के बाद माय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो जो अभी हमने ऑर्डर किया है दोस्तों वो रिसेंटली ऊपर यहाँ पे दिखा देगा। सबसे ऊपर ये आ गया है, ये ऑर्डर यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। अब आपको दोस्तों पे करने हैं ये 1 तारीख के बाद, 1 तारीख को आपका बिल जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप इसे पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने पे लेटर की लिमिट देख सकते हैं और आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को इसी तरह से यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, दोस्तों इमरजेंसी में ये अच्छे से काम आ सकता है आपके। अगर आपको कोई ऑर्डर ऑनलाइन मंगाना है और आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से आप यूज़ करके पेमेंट अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।